subscribe to our channel Technical Mirza and press the bell icon to never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम मिर्ज़ा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोल्डर को कैसे सुपर हिडन बनाया जाए। मतलब आप जैसे यहाँ पर कोई फोल्डर होगा, जैसे कंप्यूटर साइंस न्यू फोल्डर है नाम का, इसे आप खोल लेंगे। जैसे आपने कभी बनाया होगा फोल्डर को, हाइड किया होगा, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके राइट क्लिक करने के बाद हिडन पे क्लिक कर अप्लाई किया होगा, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली, ओके, ठीक है, ये हाइड हो गया। ठीक है, अब इसे हाइड करना होगा तो यहाँ पर फोल्डर है, सर्च ऑप्शन में जाकर, कंप्यूटर में जाकर, व्यू में जाकर डोंट शो हिडन फाइल्स पे क्लिक कर अप्लाई करना होगा, तो यहाँ से आपका फोल्डर चला जाएगा। ठीक है, मगर फिर जब आप इसे कर देंगे, शो हिडन फाइल्स पे कर देंगे, तो ये फोल्डर शो हो जाएगा। मगर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुपर हिडन कैसे बनाया है। मतलब उसका जब तक आपके पास, जैसे ये वाला फोल्डर है हमारे पास कॉम्प्रेस्ड, ये वाला फोल्डर, जब तक आपके पास ये पूरी लिंक जो नहीं होगी तो आप इसे नहीं खोल सकते। ठीक है, और ये जैसे यहाँ पर शो कर रहा है अभी, ऐसे शो भी नहीं करेगा। तो पूरी वीडियो को देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कैसे करना है, पूरी वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप CMD ओपन कर लीजिए। CMD ओपन करने के कई तरीके हैं। आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पर CMD टाइप कर दीजिए, यहाँ से CMD खुल जाएगा, और या विंडोज़ बटन प्लस में R बटन दबाएंगे, CMD लिखेंगे, CMD और एंटर दबाएंगे तो CMD खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, एट्रिब AttribIB, इसका पूरा कोड है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, मगर उससे पहले हम इसकी देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। ठीक है, एट्रिब डालने के बाद स्लैश बटन और फिर क्वेश्चन मार्क, एंटर दबा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया डिस्प्लेज और चेंजेस फाइल एट्रीब्यूट्स, एट्रिब प्लस आर, ये सब आ गया, प्लस सेट्स एंड एट्रीब्यूट। अगर आप प्लस डालेंगे किसी भी वर्ड से पहले, जैसे ये सिंबल्स दिए हुए हैं, अगर इनसे पहले आप कोई प्लस डालेंगे तो वो सेट होगा, और अगर माइनस डालेंगे तो वो क्लियर होगा। ठीक है, आगे आते हैं आर पे, आर रीड ओनली फाइल एट्रीब्यूट, इस पे नहीं जाना हमें, ए पे भी नहीं जाना हमें, सिर्फ एस को देखना है और एच को देखना है, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या डालना है, एट्रिब AttribIB डालेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर आपको अगर अभी तो हमें हाइड करना है, तो हम प्लस डालेंगे, फिर हमें डालना है सिस्टम फाइल एट्रीब्यूट का जो सिंबल है एस। ठीक है ना, स्मॉल एस डाल दीजिए या कैपिटल एस डाल दीजिए, मर्जी है आपकी, फिर स्पेस देना है, फिर प्लस देना है, फिर हिडन फाइल एट्रीब्यूट का सिंबल एच है जो कि एच डाल दीजिए। ठीक है, फिर स्पेस देकर डबल कॉमा डालना है, और यहाँ पर आपको उस फाइल का पैथ टाइप करना है, जैसे मुझे कॉम्प्रेस्ड का करना है तो मैं कॉम्प्रेस्ड खोलूँगा, फिर यहाँ से इस फाइल का पूरा कॉपी करके राइट सी कर दीजिए, या राइट क्लिक करके कंट्रोल सी कर दीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिए, और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमें डबल कॉमा डालना है दोबारा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर दबाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फोल्डर है कॉम्प्रेस्ड, एंटर दबा देना है। ठीक है, ये हाइड हो गया, अब आप एग्ज़िट कर दीजिए, एग्ज़िट टाइप कर बस, अभी तो आपको दिख रहा होगा नहीं हुआ, अब अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये हो चुका है। अब आप इसे कहीं से भी सर्च करिए, नहीं मिलेगा, यहाँ पे सर्च करके देखते हैं,
कॉम्प्रेस्ड, एंटर करेंगे। कॉम्प्रेस्ड नाम का कोई फोल्डर नहीं आया, ठीक है। तो हमें वो पैथ आपको याद रखना होगा, मुझे तो याद है, जैसे यहाँ पर सिर्फ फोल्डर का नेम था, स्लैश डालकर फोल्डर नेम कॉम्प्रेस्ड, ये आ गया नीचे, और एंटर दबाना है। यह मेरी फाइल्स आ गई हैं पूरी, जो कि हाइड हो चुकी थी। आप इसे कहीं से नहीं खोल सकते, किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ आपको इस फोल्डर का नाम पता होना चाहिए और पैथ पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, 10K व्यूज़ दे दो इस पर वीडियो पर, तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, वरना मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ दे दो, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।